नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर स्पीडी पब्लिकेशन किताब से बिहार का वार्षिकांक, बिहार का करंट अफेयर पढ़ाऊँ, जो कि आपका ईयरली मैगजीन जिसमें आपका दिया गया करंट अफेयर जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक। और ये आपका थ्योरी जो है थ्योरी पोर्शन है, ठीक है। और हम लोग MCQ कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो BPSC 68 देखते हैं क्या है। तो ये आपका है चैप्टर नंबर 11 का पार्ट नंबर सी, और इसका चैप्टर नंबर 11 का वीडियो नंबर 3 पढ़ेंगे, ठीक है। टॉपिक बाय टॉपिक जो हम लोग क्लियर कर रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 11 और ये पार्ट नंबर सी, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ेंगे बजट के मुख्य बिंदु। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल बजट अनुमान 2,37,691.19 करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान 2,18,302.70 करोड़ रुपये से 19,388.49 करोड़ रुपये अधिक है। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान 2,37,691.19 करोड़ रुपये, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान 2,18,302.70 करोड़ रुपये से 19,388.49 करोड़ रुपये अधिक है। 2022-23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का अनुमान 1,37,460.94 करोड़ है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान 1,17,783.84 करोड़ रुपये से 19,677.11 करोड़ रुपये अधिक है। तो 2022-23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का अनुमान 1,37,460.94 करोड़ है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान 1,17,783.84 करोड़ रुपये से 19,677.11 करोड़ रुपये अधिक है। 2022-23 में वार्षिक स्कीम का कुल बजट, तो 2022-23 में वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान 1,00,000 करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान के बराबर है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल राजस्व जो आपको 1,91,956.67 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो वर्ष 2021-22 से 14,885.28 करोड़ रुपये अधिक है। 2022-23 में, तो 2022-23 में कुल पूंजीगत व्यय 45,734.54 करोड़ रुपये, जो यह कुल व्यय का 19.24% है। यह रकम 2021-22 के 41,231.31 करोड़ रुपये से 4,503.21 करोड़ रुपये अधिक है। तो 2022-23 में कुल पूंजीगत व्यय 45,734.52 करोड़ रुपये है, और यह जो है कुल व्यय 19.24% है, और यह रकम 2021-22 के 41,231.31 करोड़ रुपये से 4,503.21 करोड़ रुपये अधिक है। कुल राजस्व प्राप्तियाँ 1,96,704.51 करोड़ रुपये, जो 2021-22 से 10,437.22 करोड़ रुपये अधिक है। तो कुल राजस्व प्राप्तियाँ 1,96,704.51 करोड़ रुपये, जो 2021-22 से 10,437.22 करोड़ रुपये अधिक है। केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में, तो केंद्रीय करों के हिस्सों के रूप में 2022-23 में 91,180.62 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2020-21 के अनुमान के बराबर है। तो केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 2022-23 में 91,180.60 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2020-21 के अनुमान के बराबर है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में, तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में 58,001.29 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में 58,001.29 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। और आपका राजस्व बचत कितना है, तो आपका राजस्व बचत 4,747.84 करोड़ रुपये GSDP का ग्रॉस जो है स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 0.64% है। राजकोषीय घाटा पर 25,885.10 करोड़ GSDP का 3.47% है। लोक ऋण अधिशेष, तो 2,38,126.69 करोड़ GSDP का 31.95% है। पुनरीक्षित लोक ऋण अधिशेष 2,88,107.35 करोड़ का 38.66% है। पूंजीगत प्रव्यय का जो है 29,749.64 करोड़ 2021-22 से 1,338.38 कम है, ठीक है।
वित्तीय वर्ष 21-22 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में 58,129 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। और राजस्व बचत रेवेन्यू जो आपका सेविंग है वो आपका 4,747.84 करोड़ रुपए, जीएसडीपी का 0.64% है। और राजकोषीय घाटा का 25,885.10 करोड़ रुपए, जीएसडीपी का 3.47% है। लोक ऋण अधिशेष तो आपका 2,38,126.69 करोड़ रुपए, जीएसडीपी का 31.95%। पुनरीक्षित लोक ऋण अधिशेष तो आपका जो है 2,88,107.35 करोड़, 38.66% है। और पूंजीगत परिव्यय 29,749.64 करोड़, 2021-22 से 1,038.38 कम है। विकसित बिहार के साथ निश्चय के लिए बजट प्रावधान, तो विकसित बिहार के साथ निश्चय के लिए बजट प्रावधान क्या है, तो किसान कार्ड योजना के लिए 700 करोड़, तो किसान कार्ड योजना के लिए 700 करोड़, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता के लिए 200 करोड़, कुशल युवा कार्यक्रम के लिए 225 करोड़, हर घर नल का जल के लिए 1,001.10 करोड़, हर घर तक पक्की गली नलियों के लिए 230 करोड़, ठीक है। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 700 करोड़, ठीक है, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता के लिए 200 करोड़, कुशल युवा कार्यक्रम के लिए 225 करोड़, हर घर नल का जल के लिए 1,001.10 करोड़, और आपका हर घर तक पक्की गली नलियों के लिए 230 करोड़ रुपए आवंटित है, ठीक है। सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के साथ ऊंचा दो के लिए 2022-23 में 5,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। तो सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के साथ निचय दो के लिए 2022-23 में 5,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति के लिए 1,153 करोड़ रुपए, सशक्त महिला सक्षम महिला के लिए 900 करोड़ रुपए, हर खेत तक सिंचाई का पानी के लिए 600 करोड़ रुपए, स्वच्छ गाँव समृद्ध गाँव के लिए 847 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत स्वच्छ शहर विकसित शहर के लिए 550 करोड़ रुपए, सुलभ संपर्कता के लिए 450 करोड़ रुपए, और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के लिए 500 करोड़ रुपए आपका आवंटित है, ठीक है। तो सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय दो के लिए 2022-23 में 5,000 करोड़ रुपए का बजट प्रदान है। तो युवा शक्ति बिहार के प्रगति के लिए 1,153 करोड़ रुपए, सशक्त महिला सक्षम महिला के लिए 900 करोड़ रुपए, हर खेत तक सिंचाई का पानी के लिए 600 करोड़ रुपए, हर स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के लिए 843 करोड़ रुपए, स्वच्छ शहर विकसित शहर के लिए 550 करोड़ रुपए, सुलभ संपर्कता के लिए 450 करोड़ रुपए, और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित है, ठीक है। तो ये आपका है विकसित बिहार के साथ सिंचाई के लिए बजट प्रदान, ठीक है। तो हमने देखा था किसान क्रेडिट कार्ड योजना के 700, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता के लिए 200 करोड़ रुपए, कुशल युवा कार्यक्रम के लिए 225 करोड़ रुपए, हर घर नल का जल के लिए 1,001.10 करोड़ रुपए, हर घर तक पक्की गली नालियां के लिए 230 करोड़ रुपए। सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय पार्ट टू के लिए 2022-23 में 5,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति के लिए 1,153 करोड़ रुपए, सशक्त महिला सक्षम महिला के लिए 900 करोड़ रुपए, हर खेत तक सिंचाई का पानी के लिए 600 करोड़ रुपए, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के लिए 847 करोड़ रुपए, स्वच्छ शहर विकसित शहर के लिए 550 करोड़ रुपए, सुलभ संपर्कता के लिए 450 करोड़ रुपए, और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा के लिए सुविधा के लिए 500 करोड़ रुपए, ठीक है। नेक्स्ट आपका बजट के संबंधित अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य, तो बजट के संबंधित अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या है, तो बिहार की अर्थव्यवस्था में 2.5% की वृद्धि हुई है, 2022-23 में विकास दर 9.7% रहने का अनुमान है, राजकोषीय घाटा 3.47% रहने का अनुमान है, ठीक है। तो बिहार की अर्थव्यवस्था में 2.5% की वृद्धि हुई है, 2022-23 में विकास दर 9.7% रहने का अनुमान है, और राजकोषीय घाटा 3.47% रहने का अनुमान है। बिहार बजट 2022-23 के 6 सूत्रों पर केंद्रित है, तो बिहार बजट 2022-23 के 6 सूत्रों पर केंद्रित है। बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 7,45,310 करोड़ रुपया है, तो आपका जो है बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 7,45,310 करोड़ रुपया है। बजट का 39,191 लाख करोड़ रुपया शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, और जो कि कुल बजट का 16.05% सबसे अधिक खर्च वाला मद है, ठीक है। स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए 16,134 करोड़ रुपया का आवंटन किया, तो स्वास्थ्य सेवा के लिए सुधार हेतु 16,134 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया। बजट का 65% सामाजिक क्षेत्र में खर्चा होगा, तो बजट का 65% सामाजिक क्षेत्र में खर्चा होगा। समाज कल्याण के लिए 12,375 करोड़ का बजट आवंटन किया गया,
तो समाज कल्याण के लिए 12,375 करोड़ का आवंटन किया गया। वित्तीय बजट 2022-23 में बिहार सरकार को सर्वाधिक आय जो है केंद्रीय करों का राज का हिस्सा से प्राप्त होगा। तो वित्तीय बजट 2022-23 में बिहार सरकार को सर्वाधिक आय केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा से प्राप्त होगा। अब तक 88 लाख घरों में नल का जल पहुंचाया जा चुका है। इथेनॉल उत्पादन के लिए 151 फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी जिनकी कुल अनुमानित लागत 30,382 करोड़ रुपया है। ठीक है, तो इथेनॉल उत्पादन के लिए 151 फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी जिसकी कुल अनुमानित लागत 30,382 करोड़ रुपया है। 2022-23 में 1 लाख करोड़ रुपया ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। तो 2022-23 में 1 लाख करोड़ ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। साथ निश्चय पार्ट 2 योजना के अंतर्गत युवा शक्ति पर ध्यान देते हुए 89 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों का चयन किया गया है। तो साथ निश्चय 2 योजना के अंतर्गत युवा शक्ति पर ध्यान देते हुए 89 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों का चयन किया गया। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनेगा। प्रथम चरण में पटना, नालंदा एवं दरभंगा में मेगा स्किल सेंटर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनेगा। प्रथम चरण में पटना, नालंदा एवं दरभंगा में मेगा स्किल सेंटर स्थापित किया जाएगा। बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। सशक्त महिला सक्षम महिला के तहत इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिला को 25,000 रुपये तथा स्नातक उत्तीर्ण पर 50,000 रुपये का आर्थिक सहायता दी जा रही है। ठीक है, तो सशक्त महिला सक्षम महिला के तहत इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिला को 25,000 रुपये तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर 50,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जा रही है। 10 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीकाकरण किया गया है। और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि निर्यात नीति का निर्माण किया जाएगा। कृषि में सुधार के लिए 7,07,730 करोड़ रुपये का बजट प्रदान किया गया है। तो कृषि में सुधार के लिए 7,07,730 करोड़ रुपये का बजट प्रदान किया गया। और औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 1,64,374 करोड़ रुपये का बजट प्रदान किया गया है। तो औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 1,64,374 करोड़ रुपये का बजट प्रदान किया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7 औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7 औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023 तक सोलर बिजली का कोटा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। बजट के कुल व्यय का 67.37% विकासात्मक व्यय को आवंटित होगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार के 7-6-2 कार्यक्रम के लिए कुल 5,000 करोड़ रुपये का अपव्यय किया गया है। बजट में 3,367 शहरी वार्ड तथा 142 नगर निकायों को ODF खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के लिए 230 करोड़ रुपये का बजट प्रदान किया गया। 4,33,000 से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। ठीक है, तो 4,33,000 से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6,000 किलोमीटर ग्रामीण पथों का निर्माण कराने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6,000 किलोमीटर ग्रामीण पथों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पढ़ा आपका आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम पढ़ेंगे आपका वीडियो नंबर 4। ठीक है, तो कल हमारा आखिरी वीडियो का बजट में, ठीक है, वीडियो नंबर 4 और चैप्टर नंबर 11 का पार्ट नंबर हम कल डी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।